मन सीता मन बसिया पुष्प रूप धरि सियहि लिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे राम चंद्र के काज सवारे लाए सजीवन रखन जियाए श्री रघुवीर हर सुर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम तिन रथ सब भाई सास बदन तुम रोय सिखावे हस कहि श्री प्रति कंठ लगावे जिस दिन हम अगर हिंदू हम बोलना शुरू कर दें, जिस दिन हम हिंदू बोलना शुरू कर दें, नेतागिरी खत्म हो जाएगा उनका। आम आदमी पार्टी तो चुप्पी साधती है जी, मैं बांग्लादेश को बचाने वाले वही है और बांग्लादेशियों को सपोर्ट करने वाले भी वही है। कांग्रेस तो हिंदू विरोधी पार्टी है जी, कांग्रेस तो चोर है। कांग्रेस आज तक 47 से लेकर के आज तक क्या किया हो? जो हिंदू हित का बात करेगा भारत पर राज वही करेगा। अगर बांग्लादेश की जो सरकार है वो होश में आए और जिन लोगों पे अन्याय हो रहा है उसको तुरंत रोका जाए, फैसला लिया जाए। और हिंदुस्तान में हम जैसे सेफ है ना, वो वहाँ पे सेफ रहना चाहते हैं, तो उनको आक्रोश करना पड़ेगा। और खुद के लिए आवाज उठाने के लिए कोई वो नहीं है, अब बटने का टाइम नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे, ये योगी जी ने ही बोला है और ये हमारा लक्ष्य है। राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए ना अब कि हमारे हम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ में खड़े हैं। अब क्यों नहीं खड़े आज के नेता? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर। और इस समय पर हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो है वो यहाँ पर एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये धरना प्रदर्शन जो है वो लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं शेख हसीना की सरकार बदलने के बाद भी, आज बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस की सरकार है पर उसके बावजूद भी जिस तरीके से सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया और कहा गया था कि हिंदुओं के हितों की रक्षा की जाएगी, पर देखिए लगातार जो है वो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार जो है वो बांग्लादेश में हो रहा है। और इसी के विरोध में ये विशाल प्रदर्शन जो है वो यहाँ हिंदू विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हो रहा है, जिस पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो मंच पर बैठे हुए तमाम जो लोग हैं वो धर्म गुरु जो है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ विरोध कर रहे हैं
हिंदुओं के ऊपर अत्याचार। सर, एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और वहीं और अगर हमारे देश की बात की जाए तो तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर जो है वो आज भी चुप्पी साधे बैठी। मैम, वो हिंदू विरोधी पार्टी है, वो कोई भी हिंदू हित की बात नहीं करते हैं। जितने विरोधी पार्टियां, कोई भी हिंदू हित की बात अगर किया हो तो बताइए, उसका एक भी एग्जाम्पल दीजिए आप सबूत के साथ। कोई भी नहीं दिया, सब हज हाउस बनवाते हैं, सब पेमेंट देते हैं, मजाते का सब चक बढ़ावा देते हैं। आज तक कोई मंदिर का बात किया हो तो बताओ, मंदिर का बात करने वाले हमारे सिर्फ बजरंग दल, सिर्फ विश्व हिंदू परिषद, सिर्फ RSS, बाकी और कौन पार्टी बात करती है ये बताइए आप। और जैसे बांग्लादेश में वो लोग हिंदुओं के साथ कर सकते हैं यहाँ क्या पे, हम भी कर सकते हैं। लेकिन ये तो कह रही है कांग्रेस, कह रही है बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी हैं, पर यहाँ जो है वो माइनॉरिटीज को सताया जा रहा है, यानी मुस्लिमों को सताया जा रहा है। कभी नहीं, एक सबूत दे दीजिए आप, एक सबूत दीजिए कहीं। कांग्रेस तो हिंदू विरोधी पार्टी है जी, कांग्रेस तो चोर है। कांग्रेस आज तक 47 से लेकर के आज तक क्या किया, वो सिर्फ हिंदुओं को बांटे। आपसे पूछेगा, आपका नाम नहीं पूछेगा, आपका टाइटल पूछेगा, आप किस जाति के हैं। अगर जाति आप बताना बंद कर देंगे, आपको क्षेत्र पूछेगा किस क्षेत्र से हैं। अगर बिहार हैं तो बिहारी बोल देगा, आसामी है तो आसामी बोल देगा, बंगाल है बंगली बोल देगा। मतलब सिर्फ बांटना सीखा है। आज तक एक किया हो, कभी एक किया हो किसी मुद्दे पर, तो आप बताइए, किसी भी मुद्दे पर ना एक किया है और ना एक होने देना चाहता है। वो सिर्फ बांटता है। आज भारत के हिंदू सारे सनातनी आज एक हो गए हैं। अब हिंदू विरोधी पार्टी नहीं चल पाएगी, और नहीं चलेगी मतलब नहीं चलेगी। जो हिंदू हित का बात करेगा भारत पर राज वही करेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। समय पर हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली की सरकार के बारे में, दिल्ली की सरकार तो अगर द्वारिका में नहीं रोका जाता तो आपको पता है क्या कर रहा था, बहुत बड़ा हज हाउस बनवा रहा था क्या। आज तक कोई हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जय जय श्री राम। अरविंद केजरीवाल जी का कभी सुने होंगे आप बयान कि वक्फ बोर्ड के पास कभी इतना पैसा होगा कि गिनती नहीं किया जाएगा। वो कौन देगा पैसा, सरकार देगी। आपको सरकार कोई फंड देती है क्या? आप भी हिंदू होंगे, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। आप भी किसी क्षेत्र के होंगे, आपको बांटा कैसे जाएगा जाति में, आपको बांटा कैसे जाएगा क्षेत्र में। क्या बोलता है, जिस दिन हम हिंदू बोलना शुरू कर दें नेतागिरी खत्म हो जाएगा उनका। लेकिन हम क्या करते हैं, हम राजपूत बनते हैं, हम ब्राह्मण बनते हैं, हम OBC बनते हैं। जय श्री राम। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से एक तरफ तो कश्मीर से लेकर हर जगह पर आवाज उठाता है विपक्ष, राहुल गांधी तो कनाडा पर भी बात करते हैं, पर जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उस पर चुप्पी क्यों? मैम देखिए, मैं तो कहूँगा बांग्लादेश में जो हो रहा है वो पहले तो हमारे हिंदू जो सो रहे हैं पहले अपने संतों को निकालें और रोड पर आक्रोश करें और जन सैलाब करें। हम तो अपने हिंदुस्तान में सेफ हैं, और हिंदुस्तान में हम जैसे सेफ हैं ना वो वहाँ पर सेफ रहना चाहते हैं, तो उनको आक्रोश करना पड़ेगा। और खुद के लिए आवाज़ उठाने के लिए कोई वो नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि हम हिंदू हैं ना, अनेक जातियों में बट जाते हैं, अब बटने का टाइम नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे, ये योगी जी ने ही बोला है और ये हमारा लक्ष्य है। हम कहते हैं कि हम और हमारे हिंदुस्तान के जितने भी नेता हैं विपक्ष में, वो अब क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हिंदुओं के लिए? वहाँ पे बांग्लादेश में जो हो रहा है, बांग्लादेशियों के जितने मुसलमान हैं वो हिंदुओं पर पीड़ित क्यों कर रहे हैं? फिर कहते हैं भाईचारा हम कैसे निभाएं, हम ते रहे तब जाए भाईचारा, हम तो शांतिपूर्वक हम प्रदर्शन कर रहे हैं जो भी करते हैं। तो ये तो वही बात है कि हिंदू शांतिपूर्वक करे, ये करे तो ठीक, और हम करे तो खराब। जैसे कि अभी आपने योगी जी के बयान की बात की है, जब उनकी तरफ से ये बयान दिया गया था तो ये आरोप लगाया गया था कहीं ना कहीं योगी जो है वो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, एक धर्म को दबा रहे हैं, इस तरीके के आरोप। मैम बांटने की योगी जी कोशिश नहीं कर रहे हैं, बट हम नहीं रहे योगी तो क्या, एक रहो, हम तो एक हैं ही, हम कौन सी जातिवाद में बटे हैं, हम तो जातिवाद में बटे थे ना, हम तो सारे एक हैं। दूसरी बात, हम बटेंगे क्यों, हम तो सारे हिंदू एक हैं ना। और राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोलते फिर? राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए ना अब कि हम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ में खड़े हैं। अब क्यों नहीं खड़े आज के नेता, अब क्यों नहीं बोल रहे वसुद्दीन ओवैसी? ओवैसी जी अब कहाँ रह गए? फिर एकता की बात क्यों नहीं कर रहे? अब बांग्लादेशियों के बारे में बोले ना जो हिंदू पीड़ित है।
इसी के साथ जो और भी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि जैसा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, हमारे देश में भी माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, यानी कि एक विशेष समुदाय यानी कि मुसलमानों के साथ भी हमारे देश में बहुत बुरा हो रहा है। हमारे देश में कहाँ बुरा हो रहा है ये बताइए। जो भी यहाँ पे होता है, अभी कुछ सालों पहले जो जमुना पार में हुआ था, कौन दिखा? आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद थे ताहिर हुसैन, उन्होंने आतंक फैलाया था ना। कौन? हिंदू। उनकी दुकानें किसकी खराब हुई? हिंदू। प्रॉपर्टी किसका खराब हुआ? कौन? पुलिस वाले थे। कौन चुन चुन के हिंदुओं को गिन गिन के मारा गया था, तो उसमें थे कौन? हिंदुओं के नाम पर क्यों चुप हो जाता फिर विपक्ष? चुप होगा, हिंदुओं का सपोर्ट नहीं मिलता। इस समय पर हम देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो भी चुप्पी साधे बैठे। आम आदमी पार्टी तो चुप्पी साधती है जी, मैं बांग्लादेश को बचाने वाले वही है, अब बांग्लादेशियों को सपोर्ट करने वाले भी वही है। घुसपैठियों को तो वही बिठा रखा है, बांग्लादेशियों को पूरा सपोर्ट हुआ करती है। सर क्या कहेंगे, बांग्लादेशियों को जगह दे रखी है दिल्ली? चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, हिंदुओं की पुकार अब बंद करो अत्याचार के जो स्लोगन्स हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। देखिए, हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार को लेकर यहाँ पर एक विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है, जहाँ आपको एक तरफ धर्मगुरु दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आई हुई तमाम जनता। सर ये बताइए, बांग्लादेश सरकार होश में आए? एक तरफ जो है वो आप होश में लाने की बात कर रहे हैं, पर यूनिस सरकार जो मोहम्मद यूनिस सरकार है वो ये कहती है कि हम हिंदुओं के हितों की रक्षा करेंगे, पर अभी जो है वो 6 से 8 महीने हो चुके हैं जहाँ लगातार वह हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। क्या मांगे हैं आज? हमारी मांग यही है, अगर बांग्लादेश की जो सरकार है वो होश में आए, और जो उन पर अन्याय करा जा रहा, हत्याचार करा जा रहा या उनको मारे जा रहे, तो वहाँ की सरकार उनको सजा दे, सजा कड़ी से कड़ी सजा दे, और जिन लोगों पर अन्याय हो रहा है उसको तुरंत रोका जाए, फैसला लिया जाए। हम ये भारत सरकार से कहना चाहते हैं, और वहाँ के राजदूत को और वहाँ का जो प्रधानमंत्री है उसको मोहम्मद यूनुस, वो जल्द से जल्द आए, नहीं तो उसको हम होश में जल्दी बैठा देंगे, पूरे देश के हिंदू भारत के इकट्ठे हो गए, और वहाँ सीमा पर पहुँच जाएंगे, हम उनको उनका दिमाग बैठा देंगे हम। इसलिए तुरंत बांग्लादेश की सरकार जो हिंदुओं पे ऐसा अत्याचार ना होने दे, उनको न्याय मिले, और जिनको बंद करे गए जेलों के अंदर उनकी तुरंत रहाई करे जमानत की, वहाँ की सरकार जो वहाँ की हाई कोर्ट है, ये कहना हमारा है। और सारा जो हिंदू राष्ट्रीय अगर इकट्ठा होकर, उनको मुश्किल पड़ जाएगा फिर, जहाँ यहाँ इस देश में रह रहे हैं वहाँ के लोग, उनको भी कई मुश्किलें खड़ी हो जाए। सर ये बताइए, आज जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो तमाम विपक्षी पार्टियाँ चुप हैं, जो फिलिस्तीन से लेकर कश्मीर में अगर आतंकवादी भी जाता है तो उस पर रोते हैं, पर आज हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है जिस पर चुप्पी साधे बैठे? नहीं, वो बैठे तो हमें इसलिए इकट्ठे हो गए, हम न्याय मांग रहे, अगर न्याय करे वहाँ की सरकार तो तत्काल, जो 8 महीने हो चुके इसलिए वो सरकार नाकाम हो रही है, तुरंत फैसला सरकार लेके और हिंदुओं पे न्याय की बात करें।